ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 3 अक्टूबर के ईश्वर वरदान की रिकॉर्डिंग। परमपिता परमात्मा आज के वरदान में चाहते हैं कि हम एक हीरो बने, ना कि विलन बने। ड्रामा में एक हीरो है और एक विलन होता है, और सिचुएशन के हिसाब से हीरो भी कभी कभी विलन बन जाता है, और सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी विलन भी हीरो बन जाता है। लेकिन हमारा जो ये ड्रामा चल रहा है इस धरती पर, उसमें हम क्या बनते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी विजडम क्या है, हम किस तरीके से इस ड्रामा में हर चीज़ को देखते हैं। तो आज परमात्मा हमें एक नज़रिया दे रहे हैं इस ड्रामा को देखने का। देखें इसको, परमात्मा कहते हैं ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भवा। समस्या को क्या समझ? खेल समझ। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता, सोचिएगा और सुनिएगा ध्यान से, जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो। क्या बोलना है, डायलॉग पता है, कोई चिल्ला रहा है, आप काम कंपोज हल्के मन से बोल रहे हैं, बिल्कुल हीरो हैं। आपको कोई, आपका कोई मूड चेंज नहीं कर सकता, आपको कोई बुरा भला कह करके आपको हिला नहीं सकता, तब आप हीरो हैं। कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे तन से रिलेटेड हो, चाहे संबंधों से रिलेटेड हो, किसी के भी अधीन नहीं, मतलब कि बाहर की कोई भी सिचुएशन हीरो को विलेन नहीं बना सकती है, उसको हलचल में नहीं ला सकती है। नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। ये खेल है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, अब मुझे एक ट्रस्टी बन करके बस इस सिचुएशन को ठीक करना है। इसमें मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं गिनना है, इसमें मुझे हार जीत नहीं गिनना है, इसमें मुझे मैं राइट हूँ कि नहीं हूँ ये नहीं सोचना है कि मेरे को राइट प्रूफ के नहीं गया, मेरे को नेम फेम मिला कि नहीं मिला, लोगों ने मेरे को पूजा नहीं पूजा, ये चीज़ सोच करके कर्म नहीं करना है। डिटैच होकर के बिल्कुल खेल में, बिल्कुल डिटैच। फिर बाबा कहते हैं चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लोग चारों तरफ रो रहे हों, हलचल हो रही हो, महामृत्यु हो रही हो, भूकंप आ रहे हो, लेकिन आप एक हीरो, सबको बचाने में लगे हुए हैं, खुद भी बच रहे हैं और को भी बचाने में लगे हुए हैं, लिटरली नहीं लेकिन हाँ, संकल्पों से आप बिल्कुल अडिग हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल है। बाहर सब रो रहे हो लेकिन अंदर आपको क्या फील होना चाहिए, लेकिन बेहद का खेल है, मैं खेल में हूँ, नाटक में हूँ, कुछ भी जो हो रहा है सामने, दुख जो है वो दुख नहीं है, उसके अंदर भी रास छुपे हुए हैं। तो दुख की घड़ी में दुख नहीं, क्योंकि आत्मा अमर अजर है, हम पार्ट बजाने आए हैं, साक्षी होकर के खेल को देखना है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी, चाहे कोई भी, चाहे धन की हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे संबंधों की हो, सारी समस्याएं हल्की हो जाएंगी अगर खेल समझें। लेकिन अगर पर्सनली ले लें, कैसे कह दिया, मेरे को ऐसे बोल दिया उसने, वो समझता क्या है, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, बस फिर उलझ गए और फिर पाप पे पाप, विलन का रोल स्टार्ट। तो आप क्या बनना चाहते हैं परमात्मा की नज़र में, हीरो या विलन, आप सोच लीजिए। अगर हीरो बनना है तो ब्रह्म कुमारी में आ जाइए। कैसे बनते हैं सिखाया जाता है। हाँ, धर्म नहीं चेंज करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, बस संकल्पों को चेंज करना पड़ेगा, थॉट्स को। इसके साथ ओम शांति।